नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में एवं स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूं। हमारा जो ऑनलाइन स्पीच नेशनल कॉन्टेस्ट चला हुआ है उसका आज फाइनल है और उसमें हमारे 5 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उनको तहे दिल से वोट करेंगे और वोटिंग दोनों चैनलों पर होगी। अगर मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सेम वे में उस पर भी आपको वोटिंग करनी है और ये वोटिंग होगी अप टू 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक वोटिंग होगी और आपको अपने प्रिय प्रतिभागी को चुनना है और बड़े झील के साथ, बड़े उत्साह के साथ इसमें सहयोग कीजिए। और अभी वोटिंग कैसे करनी है, प्रतिभागी कौन है वो बताएंगे आपको स्टडी 24 ऑफिशियल के हरबीर सिंह जी। ये रहे हरबीर सिंह जी। धन्यवाद प्रदीप सर और सभी को नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। तो जो ये फाइनल में हमारे कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले सिद्धार्थ, इसके बाद गौरव, इसके बाद मिस्टर कुलदीप, देन इसके बाद समस्त और इसके बाद आकाश, ये 5 कैंडिडेट्स हैं। तो आपको इनको वोट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वोट कैसे करेंगे, तो आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से आई बटन आएगा और आप जब इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इन कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अलग दिख रहा है लेकिन अगर आप इस वीडियो में क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो ये कैंडिडेट्स हैं इनकी लिस्ट दिख जाएगी, तो फिर आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कॉन्टेस्ट को सफल बनाएंगे, अपने फेवरेट कैंडिडेट का मनोबल जरूर बढ़ाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ लांबा। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू बी इन द फाइनल ऑफ नेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट। एज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया इज टीमिंग विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। सो टुडे आई वुड लाइक टू शेयर सम इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। First, Ayurveda. Ayurveda means science of life. It was invented by India 5000 years ago. Second, chess. Chess is a board game that originated as Ashtapada during the Gupta period. Third, shampoo. Shampoo was invented by India in 1762. And it is used for head massage. Fourth, buttons. Yes, it is true. 5000 years ago, buttons were made out of seashells and used it ornamental purposes. USB. USB means universal serial bus. Jimmy Bhatt made the USB. It is little storage device that is used to store and transfer the data. Plus, it is easily to carry and use. Sixth, yoga. India introduced the world to yoga discovery in ancient times. Lord Shiva was the first guru of the yoga. The world celebrates International Yoga Day on 21st June. Seventh, zero. The biggest and the most important contribution from India was zero. Zero means nothing, but without it, there would be no binary system and no computers, all thanks to Sri Aryabhatta. I am proud to be an Indian. Jai Hind! Thank you very much and vote for me. Namaskar. आज मैं अनुशासन पर भाषण प्रस्तुत करने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है और यह सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन या अनुसरण करना। अनुशासन ही है जो मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है और साथ ही मनुष्य को समाज में रहने योग्य बनाता है। अनुशासन सफलता की चाबी है। हमारी प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में रहकर ही करती है, जैसे सूर्य का समय पर उदय होना और समय पर ही अस्त होना। हमें भी प्रकृति से अनुशासन में रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए।
हर व्यक्ति अनुशासन अपने घर और स्कूल से सीखता है। कुछ बच्चों में अनुशासन जन्म से ही होता है और कुछ पर जबरदस्ती इसे थोपा जाता है। अनुशासन के अंतर्गत सबसे अच्छा व्यवहार करना, समय का पालन करना आदि होता है। अनुशासन का विकास व्यक्ति में दिन प्रतिदिन होता रहता है और यह अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भी बनाता है। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का बहुत ही अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस समय हमारा विकास हो रहा होता है और हम अनुशासन को अपने जीवन में अपना सकते हैं। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, हमें वहां के नियमों को पालन करना होता है, क्योंकि समाज में उन्हीं लोगों को सम्मान दिया जाता है जो अनुशासन प्रिय होते हैं। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति अपना हर कार्य अनुसरणी के अनुसार करता है और स्व्यवस्थित तरीके से ही करता है। आज के युग में हर क्षेत्र में उन लोगों को ही चुना जाता है जो अपना हर काम सही तरीके से, समय पर और अनुशासन में रहकर पूर्ण करते हैं। जो लोग अनुशासन में रहते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। जब हम लोग अनुशासन में रहकर एक व्यवस्थित तरीके से रहते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें आसानी से हल हो जाती हैं। जबकि अनुशासनहीन मनुष्य का व्यक्ति तो जीवन पशु के समान हो जाता है। मैं आपको अपने अनुभव से आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि आप प्रतिदिन अनुशासन का अभ्यास करेंगे तो आपको अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जरूर होगी। अनुशासन व्यक्ति हमेशा योजनाबद्ध रहता है और उसका जीवन एक स्वस्थ सुखी जीवन, दूसरों के लिए आदर्श जीवन होता है। हम सभी को अपने जीवन अनुशासन प्रिय बनाना चाहिए और सफलता को प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। द टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज द इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन ऑन ऑल ऑफ अस। इफ आई टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन मी, इट हैज बीन स्लाइटली हार्श ऑन मी एज आई एम स्टक अलोन एट माई वर्क प्लेस, द क्वार्टर विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू मी बाई द कंपनी। सो आई एम स्टेइंग ओवर हियर, आई एम ऑल अलोन, देर इज नो वन टू शेयर थॉट्स विद। येट आई ट्राई टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन कनेक्टिंग माई सेल्फ विद द नेचर via meditation, via trying to talk with the animals, birds. Of course, in animals, not all the animals, but the animals which are available outside, like dogs and birds like cuckoo. I don't know, I'm not sure if you are able to hear the voice of cuckoo now. It is trying to talk and I'm not responding as I'm talking to you. But whenever I try to respond, I get the response back. So it's a quite amazing feeling for me. And if I talk about the effect of this lockdown on others, they have understood the importance of not spending too much yet remaining happy. Come on, we all have now got to know that we can spend our lives with the minimum of efforts and with the minimum of money. Because now when we don't have that much freedom to go and spend on luxury items, we are spending more on basic items like having food, having those necessary items which are required for everyday's use, and now we are using them as well. So at the end of this month, we'll all realize how lesser our real requirements are and how more we were focused on spending money to just look rich. We don't need to look rich, we need to be rich. For that we need to make efforts rather than spending our money and time in looking rich. Looking rich won't make you a rich person. You have to be rich, then you have to make efforts to be rich. And let me tell you the difference between the normal people and the person who will be using this time of lockdown. Normal people will be watching TV, will be using a lot of technology, maybe social networking sites. But a person who is alone, a person who is an entrepreneur who would be looking to generate new ideas, and the same person will be looking to improve his communication skills in English, the same person will be looking to enhance his skills so that when this world reopens, he is more ready than anyone else to attack
not physically, not virtually, but in terms of skill, and grab all those opportunities and grow as much as he can. And if I talk about the effects of this lockdown quarantine on nature, the nature is quite happy. Apparently, it is very much clean. If we talk about the air quality, it has come very much clean. It has become very much clean. The worst cities in terms of poor air quality index, they have also got the good quality air index. They have made it to that. It's an achievement. River Ganges, which was getting polluted, and our Indian government was spending a lot of amount to get it cleaned. Without efforts of getting it cleaned, the Ganges have been cleaned. Wherever it is flowing, its water is quite transparent. You can see what is inside, even from the pictures. And what scene it would be when we would all be free and join and go and visit Haridwar and other places where we could visit, we could see the cleanliness of Ganges. It would be a sight to behold and an amazing thing. And moreover, the stars, if you see, the stars about which we have studied in science, they are quite visible if you understand and realize and you see them, right? So that's all from my side. Thank you so much. Hello everyone. Firstly, I extend my wishes to all the viewers and my competitors. All the best to all of us. My topic for today is Incredible India. It is a vast topic indeed. Still, I am trying. Population of India is 1.3 billion and it makes us to stand on second position in the world. The most significant issue of our country is poverty. All talk about issues and issues like our system, nepotism, politics, women empowerment, demonetization, lack of education, politician, etc. Is that all about India? No. Today I will tell you the facts which make you feel proud to being an Indian, as I am feeling. Do you know we are having the world's largest democracy and it is the oldest one? India is the land of unity and diversity. India has 22 official languages. Indian satellite Chandrayaan first was the first satellite to detect water on the surface of moon. ISRO sets a world record of successful launch of 104 satellites. Now about sports. World famous games like Kabaddi, Ludo, Snakes and Ladders, chess, etc. are originated on the land of India. Father of hockey and god of cricket are also an Indian. चलिए कुछ और भी रोचक जानकारी साझा कर लेते हैं. Since 2013, Indian state Haryana is the largest producer of milk. Sugar is firstly consumed in India. Maximum population of India is vegetarian. India is the largest producer of pulses, spices and cuisines of India are world famous. Zero was the great invention of Indian mathematician Aryabhatta. World's first university is Takshila University. Acharya Buddhayana calculated the value of pi 3.14159. Oldest school of medicine is Indian Ayurveda. Father of surgery, Sushruta was a great Indian. India was known as the richest country in 17th century. Sone ki chidiya tha, hamara Bharat. India has the largest number of news channels in the world. India is the only country having the cheapest 4G telecom network. World's largest employer is Indian Railways. We have brains like Chanakya and Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabh Bhai Patel, the Iron Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam, the Missile Man of India, P.T. Usha, the Udan Pari, Kalpana Chawla and Sunita Williams. We are blessed to have two Nightingales, Sarojini Naidu and Lata Mangeshkar ji. We also have two pioneers, Amitabh Bachchan ji and Ratan Tata.
Kapil Dev, Sachin Tendulkar, MS Dhoni, Yuvraj Singh. Do you remember the six sixes of him? We do have CEOs at Google and at Microsoft. Before winding up, I just want to share the latest one. We are the one as an Indian who are getting appreciation throughout the world for our Swachh Bharat campaign. And today's scenario is that we are the pioneer in setting the trends during this pandemic. This is all because of our great PM Narendra Damodar Das Modi. I feel immense proud to be an Indian. Do you? Jai Hind, Vande Mataram, Jai Bharat. Hi everybody, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करने वाला हूँ. ये बात कई लोगों की समझ में आएगी, कई लोगों की समझ में नहीं आएगी, पर क्या ही फ़र्क पड़ता है. तो हम अपनी सारी ज़िंदगी किसी ना किसी बिलीफ पे, किसी ना किसी परंपराओं पे या रिचुअल्स के ऊपर बेस्ड करके जीते हैं, हमको जिनका पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इस परंपरा का क्या मतलब, ऐसा क्यों करना होता है. ये सारी की सारी चीज़ें हम बिना कुछ सोचे समझे मान कर करते रहते हैं ऐसे काम. समाज में कुछ रूल्स बना दिए हैं और कहा है कि इन रूल्स को फॉलो करना है और आपको चलना है ऐसे. पर क्या आपने सोचा है कि क्यों करना है, क्यों हमें रूल्स फॉलो करने हैं समाज के, क्यों हमें वो परंपराओं को फॉलो करना है जिनका मतलब ही खुद को नहीं पता. जिस तरीके से आप भगवान पे बिलीव करते हैं कि भगवान ऐसा होगा, वैसा होगा, चक्रधारी होगा या धुएं के जैसा होगा या पता नहीं कैसा कैसा होगा, आपके मन में एक बिलीव है, आप उसको जानना चाह रहे हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या आप खुद को जानते हैं, क्या आप अपने आप के बारे में जानते हैं कि आप कैसा दिखते हैं, आपके अंदर क्या है, कैसे किस चीज़ से बने हुए हैं आप, या फिर आप जो आपको समझ रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो क्या, आप वही हो जैसा दिख रहे हो आप. ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप अपने आप को जानते नहीं हो और फिर बात आप इतने बड़े शख्स की कर रहे हैं और फिर सारी बातें, सारे सवाल, सारी परंपरा, सारी की सारी चीज़ें नल एंड वॉइड हो जाती हैं जब हम खुद के बारे में बात करना शुरू करते हैं. क्योंकि संसार का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं कौन हूँ. जब इंसान को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो उसे किसी और सवाल का जवाब ढूंढने का कोई हक ही नहीं. तो सोचिएगा इस बारे में भी थोड़ा सा.